ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। आइए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। जो भाई बहने बिंदु रूप की स्थिति में ज्यादा समय नहीं टिक पाते, उनके लिए बाबा ने एक सहज रास्ता बताया। बाबा ने कहा, अगर तुम बिंदु रूप में ज्यादा समय स्थित नहीं हो पाते हो तो इसके पीछे जास्ती समय नहीं गवाओ, क्योंकि बिंदु रूप में तुम तब ही टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्पों का अभ्यास होगा। इसलिए पहले पहले अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों द्वारा हटाओ। फिर बाबा ने एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, तब अगर अचानक ब्रेक ना लगे तो उस समय क्या करेंगे? ऐसे समय पर दूसरा एक ही विकल्प होता है, हैंडल को मोड़ दो। बाबा ने कहा, कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती बल्कि मोड़ना पड़ता है, तो यह बिंदु रूप है ब्रेक। और अगर यह ब्रेक नहीं लगता तो आप व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। बाबा कितनी सहज विधि बता रहे हैं, फिर से सुनिए। बाबा ने कहा, यह बिंदु रूप है ब्रेक, और अगर यह ब्रेक नहीं लगता तो आप उस समय अंदर में चल रहे व्यर्थ संकल्पों से अपनी बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। यही कोशिश करो कि सारा दिन शुभ संकल्पों के सिवाय कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। जब तुम यह सब्जेक्ट पास करेंगे तब बिंदु रूप की स्थिति में सहज स्थित हो सकेंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।